दोस्तों वीर शिवाजी महाराज ने सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। वहीं महाराणा प्रताप ने केवल 36 साल की उम्र में बहलोल खान को घोड़े समेत दो टुकड़ों में काट डाला था। लेकिन आज के समय आप अपनी नजर घुमाओगे तो आपको दिखेगा कि 16 साल की उम्र तो छोड़ो, लोग 25 से 30 साल के हो जाने के बाद भी कई नौजवान एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और अपनी गंदी आदतें और अनगिनत एडिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे अपनी मर्दानगी खोते चले जा रहे हैं। जहाँ एक समय पर हमारे भारतीय मर्द छत्रपति संभाजी महाराज की तरह शेर के साथ कुश्ती लड़के उसका सीना चीर कर लेकर आते थे, वहीं आज का नौजवान अनगिनत मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जहां पे वो सिर्फ एक कुत्ते की आवाज भी सुन ले तो भाई दुम दबाकर घर पे भाग जाता है। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, बल्कि रिसर्च की माने तो पहले के कंपैरिजन में वुमेन्स अपनी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल हो चुकी है, जबकि मैन धीरे धीरे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल खोता जा रहा है। जहां 2016 में यूग्रो ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसके अनुसार केवल 2% मर्द ही ऐसे है जो खुद को एक परफेक्ट मर्द मानते हैं आज के जमाने में। लेकिन यही रिसर्च जब 1965 में की गई थी तो वहाँ पे 56% मर्दों ने सीना ठोक के अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर मर्द माना था। और भाई सबसे डरावनी बात तो ये सामने आई कि दुनिया के टोटल आत्महत्या करने वाले लोगों में मैक्सिमम टाइम 80% मर्द ही होते हैं, जो अपने कमजोर माइंडसेट की वजह से अपनी जिंदगी को भाई बुरी तरह से खत्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल अब ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों मर्द समय के साथ साथ और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, और आखिर ये मैन के कमजोर होने के पीछे किसका हाथ है, और आज के समय में हम भला ऐसा क्या करें कि हम इस बर्बादी को जल्द से जल्द रोक सके। तो दोस्तों आज हम इन सारे सवालों के जवाब रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पुख्ता सबूतों के साथ जानने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, बल्कि हर एक चीज जो मेडिकल रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर प्रूव की गई है, वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रखने वाला हूं, वो भी आम जनता की आसान भाषा में। और ये सारे प्रूफ एंड रिसर्च पेपर के लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से उसे वेरीफाई जरूर से करना। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग, मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों अगर हमें ये समझना है कि आखिर मर्द प्रजाति कमजोर क्यों हो रही है, तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक वीक मैन कहता किसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों साइंटिफिक डेफिनेशन की माने तो वीक मैन उसे कहते हैं जो थोड़े में खुश है और कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ने की कोशिश नहीं करता, इस डर से कि कहीं कुछ गलत हो गया तो उसकी लंका लग जाएगी। तो अगर हम इस साइंटिफिक डेफिनेशन को पकड़ करके चले तो आप पाओगे कि आपके आसपास ऐसे कई सारे कमजोर मर्द भरे पड़े हैं जो अपनी लाइफ के झंड हालातों में भी खुश है। उसे ज्ञान हर चीज का है कि ये कर लेने से 2-4 पैसे आ जाएंगे, ये कर लेने से आगे जाकर लाइफ सुधर जाएगी, लेकिन वो करता कुछ नहीं है सिवाय दिन भर फोन पर टाइम पास करने के। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों दिन ब दिन मर्द अपने बुरे से बुरे हालातों में भी किसी तरह जिंदगी काटने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए वो कुछ भी बड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी शुरुआत होती है एक बच्चे के 4-5 साल के होने तक से, जहां शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर अपने बचपन के दिनों से ही उन स्किल को सीख रहे थे जो उन्हें आगे चलकर काम में आने वाली थी। वहीं आज के बच्चे स्कूल में जाकर सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना सीखते हैं, जहां पहले के लोग गुरुकुल में पढ़कर लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फाइटिंग स्किल जैसे चीजें सीखते थे, तो वहीं आज मोस्टली स्कूल में रट्टू टोटा बनाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी बस आंखें बंद करके सामने जो परोसा जा रहा है उसे पढ़ो और एग्जाम में लिख करके आओ। अब ऐसा करने पर वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन इससे होता ये है कि वो अपने उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए काबिल ही नहीं बन पाते जो दुनिया उनसे एक्सपेक्ट करती है, जिससे फिर भाई होता ये है कि एक मर्द जिससे पूरी दुनिया ये उम्मीद करती है कि वो आगे चलकर फाइनेंशियली रिच होगा, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन स्कूल में गधों की तरह ऐसे ट्रेन होने के बाद एक मर्द सिर्फ इसी लायक बचता है कि वो जाकर लोगों के ऑर्डर फॉलो कर सके, और जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तब ऐसे मर्द भाई अपने आप को ऐसे स्टेट में फंसा हुआ पाते हैं जहां वो अपनी फैमिली का पेट तक नहीं भर पाता, यानी कि वो ना चाहते हुए भी मेंटली एंड फिजिकली एक वीक मैन के कैटेगरी में खुद ब खुद पहुंच जाता है। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को भी अगर देखा जाए तो आखिरकार लाखों साल पहले भी तो ऐसा होता होगा ना कि कई बार मर्द शिकार पर जाते होंगे और उन्हें शिकार नहीं मिल पाता होगा, और उनके शिकार ना कर पाने के कारण वो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो आज भी तो भाई वैसा ही सेम हो रहा है ना कि कई बार हमारे मर्द जॉब की तलाश करने के लिए तो बाहर जाते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है और उसी की वजह से वो अपनी फैमिली की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। तो फिर भाई आज के जमाने के मर्द ही कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? तो दोस्तों ये दोनों सिचुएशन देखकर भले ही आपको लगे कि हाँ यार बात तो सही है,
कि आज भी कहां कुछ बदला है, आज भी तो मर्द वैसे ही है ना जैसे वो पहले थे। लेकिन भाई यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। तो भाई आज से हजारों साल पहले जब एक मर्द अपनी फैमिली को फूड एंड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाता था, तब ऐसे केस में वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता था, बल्कि वो दूसरे दिन वापस से साहस के साथ निकलता था और शिकार करके लेकर आता था। लेकिन आज जब एक मर्द फेल होता है ना, तब एक मर्द ज्यादातर मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मर्दों के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल अब भाई तेजी से घटता जा रहा है। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि 1973 से 2011 के बीच मेल हार्मोन्स के ऊपर एक रिसर्च की गई, जिससे ये पता चला कि मेल्स के अंदर हर साल टेस्टोस्टेरोन लेवल करीब 1.4% घटता जा रहा है। और डरावनी चीज तो ये सामने आई कि 1973 से 2011 के बीच रिसर्चर्स ने पाया कि मेल्स के अंदर बस इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही 52.4% टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो चुका है भाई। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाने से भला हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, तो अनगिनत रिसर्च भाई ये बताती है कि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाने से वो फिजिकली एंड मेंटली वीक होने लगता है, जिससे कि वो बहुत ही जल्द डिप्रेशन और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। साथ ही ऐसे मर्द धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी भी खो देते हैं, और जब वो अपने दिमाग को कंट्रोल करने की और फोकस करने की पावर को खो देते हैं, तब वो जल्द ही सोशल मीडिया, पोर्न और बाकी एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर हम गवर्नमेंट की नेशनल वेलफेयरिंग सर्वे को देखें, तो सर्वे में ये क्लियरली निकल करके आया है कि आजकल ज्यादातर मर्द अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। इवन कई सारे रिसर्च ने तो ये तक दावा किया है कि औरतों की तुलना में मर्द कई सारे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन ये चीजें कभी दिखती नहीं है, क्योंकि मर्द बेचारा अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को कभी पब्लिक डोमेन पर खुलकर बोल ही नहीं पाता। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में यस जरूर से टाइप करना, क्योंकि इस बात का प्रमाण खुद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के आंकड़ों ने बताया है कि सितंबर 2020 में लॉन्च किए गए किरण हेल्पलाइन पर कॉल करने वालों में 70% कॉलर्स मेल्स थे। आप जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि असल में किरण हेल्पलाइन एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, जिसके थ्रू वो लोग जो टेंशन, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स और ऐसे ही सिमिलर मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी कॉल के थ्रू मदद की जाती है। और यहाँ पर कॉल कर रहे लोगों की आइडेंटिटी पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाती है, इसलिए मेल्स अपने दिल की बात यहाँ पे निसंकोच रख पाते हैं, जिसके आंकड़े चीख चीख कर ये बताते हैं कि बाहर से सख्त दिखने वाला हमारा मर्द आज अंदर से बेचारा कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो जहाँ एक समय पर जो मर्द जंगलों में रहकर अपनी फैमिली को खाना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, आज वही मर्द अपने आप को बेचारा लाचार और हेल्पलेस सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है, जहाँ पे उसके दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। और भाई इसीलिए ऐसे सिचुएशन में फंसकर एक मर्द अपनी प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए सही गलत की परवाह किए बगैर अलग अलग ऐसे रास्ते ढूंढने लगता है जिससे कि वो अपने दर्द को कम कर सके। और इसी वजह से ज्यादातर मर्द अल्कोहल, ड्रग्स, पोर्न एंड सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो जाते हैं। जहाँ आज से हजारों साल पहले मैन अपनी सेक्सुअल डिजायर को मुश्किल से पूरा कर पाता था, वहीं आज हर कोई मोबाइल फोन में ही हजारों तरह के पोर्न देखकर अपनी सेक्सुअल डिजायर को बस वर्चुअली देखकर ही पूरा कर लेता है, और बार बार मैस्टरबेशन करके अपने शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जिसका प्रमाण देते हुए अगस्त 2020 में ओनली फैंस वेबसाइट ने खुद ये बताया कि उनके प्लेटफॉर्म पर करीब 12 लाख क्रिएटर है, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं। वहीं अगर हम यूजर बेस की बात करें तो उनके पास करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जो लिटरली पैसे देकर एडल्ट कंटेंट को खरीदते हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़के हैं। यानी कि ज्यादातर मर्द पैसे देकर वर्चुअली अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो रियल लाइफ में कभी किसी लड़की को फेस टू फेस बात करने से लिटरली भाई डरते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण वो लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो चुके हैं। ऊपर से ये बार बार पोर्न देखने से उनके ब्रेन को शॉर्ट टर्म में तो रिलैक्स फील होता है, लेकिन ये चीजें लंबे समय में उन्हें और भी गहरे दलदल में फंसा देती है, जिससे ज्यादातर मर्द तो कभी बाहर आ ही नहीं पाते। इवन कई सारी स्टडीज ने तो ये प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि ये चीजें एक मेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बुरी तरह से बर्बाद कर देती है, जिससे कि वो इंसान धीरे धीरे मेंटली और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है, और अपनी लाइफ के छोटे मोटे फैसले भी वो कभी खुद से ले ही नहीं पाता। इसलिए भाई आज हालत ये हो चुकी है कि 20 से 25 साल के नौजवानों को ये तक पता नहीं होता कि आखिर उन्हें लाइफ में करना क्या है। वहीं अगर हम आज के मर्दों की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो जर्नल ऑफ हैंड थेरेपी ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने 237 लोगों को बुलाया जिनकी उम्र 20 से 34 साल की थी, और फिर उन मर्दों की हैंड ग्रिप को चेक किया गया, यानी कि वो किसी भी चीज को अपने हाथों से कितनी मजबूती से जोर लगाकर पकड़ सकते हैं वो चेक किया गया। अब असल में हैंड ग्रिप आपके बॉडी की स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी कि एक बंदे का हैंड ग्रिप जितना स्ट्रांग होगा उसकी बॉडी उतनी ही शक्तिशाली होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन भाई रिसर्च में ये पता चला कि आज से सिर्फ 30 साल पहले लोगों की हैंड ग्रिप आज के मर्दों के मुकाबले में 26 पाउंड ज्यादा थी। इसीलिए ही हमारे भारत में प्राचीन काल से लोग अपने हैंड ग्रिप को मजबूत करने पर काफी फोकस करते थे। यहाँ तक कि आज भी आपको कई सारे ऐसे हनुमान मंदिर दिख जाएंगे जहाँ पे गोल पत्थर रखे हुए होते हैं, जिसे पकड़ने के लिए आपको हमेशा अपने हैंड ग्रिप का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब जब पहलवान लोग मंदिर में जाते थे, तब तब वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन पत्थरों को उठाते थे। लेकिन आज का नौजवान तो भाई दूर से ही शक्ति और साहस के देवता हनुमान जी को प्रणाम करके निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब ऐसा साहस और शक्ति बची नहीं है। क्योंकि अभी के जमाने में खाना ऑर्डर करने से लेकर लड़की के साथ चैट करने के लिए भी
मर्द अपने मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो पूरा पूरा दिन रजाई ओढ़कर घंटों तक बेड में मस्त फैल के सोता रहता है, और यही चीज उसे फिजिकली कमजोर बनाती है। और भाई जिसका शरीर ही कमजोर होगा वो मेंटली भला कैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आज के मर्द चाहकर भी हमारे प्राचीन योद्धाओं की तरह शूरवीर बन ही नहीं पाते। तो भाई आखिर इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे हम एक वीक मैन को स्ट्रांग मैन बना सकते हैं, और क्या ये करना पॉसिबल भी है या नहीं? तो दोस्त ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए बस जरूरी है कि आप खुद को डिटॉक्स करो, क्योंकि कई सारे रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जिस तरह एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉर्न एंड मास्टरबेशन से हमारे मेल हार्मोन बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, लेकिन वहीं जब मेल खुद को डिटॉक्स करना यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है, तब ऐसे मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा फिर से कई गुना बढ़ने लग जाती है। इसलिए आप खुद ये देख पाओगे कि जो लोग आर्मी की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली ट्रेनिंग फॉलो करते हैं उन्हें कभी कोई कमजोरी फील नहीं होती, क्योंकि वो हर तरह से अपने माइंड को प्लेजर देने वाली चीजों से दूर रहता है, जो एक मैन को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग बनाती है। और अगर आप ब्रह्मचर्य क्या होता है और उसे कैसे फॉलो करना है वो सीखना चाहते हो, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।